हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात की थी आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के बारे में, आईपीएससी नेमिंग हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। तो आईपीएससी नेमिंग के में जिसमें हम लोगों ने बताया था जिस कार्बन पे फ्री वैलेंसी होती है उस कार्बन को एक नंबर देते हुए हम लोग प्राइमरी मतलब प्रिंसिपल चेन छांटते हैं, लॉन्गेस्ट चेन छांटते हैं, ठीक है। तो हम लोग जैसा कि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एल्किन और एल्काइन में से अगर एक हाइड्रोजन को माइनस कर देते हैं, एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो क्या बनता है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में सीखने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको सामने दिखा रहा हूं एल्किन और एल्काइन, एल्किन या एल्काइन दोनों में से कोई भी ले लिया जाए, या तो डबल बॉन्ड ले लिया जाए या तो ट्रिपल बॉन्ड ले लिया जाए, ठीक है। तो अगर एल्किन से एक हाइड्रोजन माइनस करते हैं तो एल्कइनिल बनता है, ठीक है। इसका एल्क एल्क रहता है और इन का इनिल बन जाता है, इल ग्रुप जुड़ जाता है, ठीक है। एक हाइड्रोजन माइनस करने पे एल्किनिल बन जाता है, और एल्काइन एल्काइन में से अगर एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं तो एल्काइनिल ग्रुप बन जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए इथीन अगर हम लोग ले लें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 अगर इथीन ले लेते हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन अगर माइनस कर देते हैं, यहाँ पे चार हाइड्रोजन है, अगर एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH और फ्री वैलेंसी बचती है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या नाम, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इसमें देखिए दो कार्बन है तो इथ हो गया, और प्राइमरी कार्बन पे फ्री वैलेंसी है तो वन हो गया, और ये दो कार्बन का इनिल हो जाता है, और इसको ग्रुप, ठीक है। तो इथ वन इनिल ग्रुप, और इसी को हम लोग बोलते हैं विनाइल ग्रुप, ठीक है। विनाइल ग्रुप इसी को हम लोग बोलते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, ये आपको याद करने की जरूरत है, CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री वैलेंसी होती है, इसी को हम लोग विनाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है, विनाइल ग्रुप। और दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग ले लें तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसका नाम जो होता है वो आईपीएससी नाम जो होता है प्रोप टू इनिल ग्रुप होता है, ठीक है, प्रोप टू इनिल होता है इसका नाम, और इसी को हम लोग एलाइल ग्रुप कहते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहां से प्राइमरी कार्बन से इसकी नंबरिंग शुरू होगी 1, 2, 3, ठीक है। टू नंबर पे यहाँ पे इन जुड़ा हुआ है, इसलिए हमको प्रोप टू इनिल ग्रुप कहते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग एलाइल ग्रुप कहते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री वैलेंसी है, इसको हम लोग आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में इसका नाम क्या होता है, प्रोप टू इनिल ग्रुप, या इसी को हम लोग प्रोपारजियल ग्रुप कहते हैं या प्रोपारगियल ग्रुप कहते हैं, CH2 ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2, इसमें तीन कार्बन होते हैं, चार हाइड्रोजन होते हैं, और प्राइमरी कार्बन पे फ्री वैलेंसी होती है, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में एल्किन और एल्काइन से अगर एक हाइड्रोजन निकाल लिया जाए तो इसके बारे में हम लोग सीख चुके हैं कि अगर एक हाइड्रोजन निकाले तो क्या बनता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।